स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक्टिविटी और लेग निकोटिनिक एक्टिविटी होती है। इसका जो मेजर एक्शन होता है वो ब्लैडर और जीआईटी के स्मूथ मसल्स पे होता है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अबाउट 1 आवर होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखें तो डायरेक्टली स्टिमुलेट करवाते हैं मस्कुलर रिसेप्टर्स को, जो कि इंक्रीज करवाते हैं इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और टोन को, और इसी के साथ स्टिमुलेट करवाते हैं ब्लैडर के मसल्स को, जो कि हेल्प करते हैं यूरिन को एक्सपेल आउट होने में। क्लिनिकल यूसेज में यूरिनरी रिटेंशन यूज़ होती है, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव हो या न्यूरोजेनिक, और जीआईटी एटोनिक में भी यूज़ होती है जिसमें गैस एक्सपेल आउट होने में हेल्प करती है। और साइड इफेक्ट अगर देखें तो स्वेटिंग, सलाइवेशन, फ्लशिंग, बीपी डिक्रीज भी हो जाता है, और नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ग्लूकोज मांगल, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया।